नमस्कार, स्टार न्यूज में आपनु स्वागत छे। नजर करीशु अत्यार सुधीना समाचार पर। शहेरनी सोसायटीओमां कॉमन प्लॉट रस्तानी सफाई माटे म्युनिसिपल द्वारा 2500-3000 रकम फाळवा माटे भाजपे तेमना अंदाजपत्रमां जोगवाई करी छे। पाछळ रूपिया 4.64 करोड़ रकम फाळवामां आवी। जो कई सोसायटीने केटली रकम मळी शके तेना रूपरेखा आगामी दिवसोमां नक्की थशे। म्युनिसिपल भाजपे सोमवारे रजू करेला सुधारा बजेटमां 100 चौरस मीटर सुधीनी सोसायटीमां हवे रस्ताओ अने कॉमन प्लॉट सफाई माटे म्युनिसिपल रूपिया 250-3000 सुधीनी रकम चुकवानी जोगवाई करी छे। आगामी दिवसोमां ते माटेनी चोक्कस नियमो तथा योजना अंगेनी स्पष्टता करवामां आवशे। कोइम्बतूरमां इडलीवाड़ी अम्माथी फेमस 85 वर्षीय वृद्ध महिला छेल्ला 30 वर्षथी 1 रूपियामां इडली बनावीने वेची रही छे। 2 वर्ष पहला इडली अम्मानी स्टोरी सोशल मीडिया पर घनी वायरल थई हती। ए समय सोशल मीडिया पर आनंद महिंद्राए पण तेमनो एक वीडियो शेर कर्यो हतो। वीडियो शेर करीने लख्युं के हूँ अम्मानुं काम जोईने घणो खुश थयो छुं, तेमना माटे हूँ कंईक करवा मांगू छुं। दरियादिलीथी फेमस एवा आनंद महिंद्राए चूल्हा पर इडली बनावनार दादी अम्माने एलपीजी गैस स्टवनी व्यवस्था करी आपी हती अने क्यांक हवे तेओ घर आपवानी पण तेओ वात करे छे। विधानसभाना स्पीकर राजेंद्र त्रिवेदी ने सोमवारे सांजे तबियत लथड़ता तेमने ताबड़तोप हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या। भारतीय जनता पार्टी ना ऑनलाइन बैठक दरमियान सांजे 6:30 वागे तेमनी तबियत बगड़ी हती। विधानसभाना अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी तबियत सोमवारे सांजे अचानक खराब थई गई हती। सोमवारे सांजे 6:30 वागे भारतीय जनता पार्टी की ऑनलाइन बैठक में तेओ हाजर रहा था। तो आ दरमियान तेमनी तबियत खराब थई अने तेमनी तबियत लथड़ता ताबड़तोब अमदावादनी यूएन हॉस्पिटल में दाखल करवामां आव्या। तेमने हार्ट संबंधित समस्या सर्जाई होवानुं सामे आव्युं छे। राज्यमां जीवलेण कोरोना वायरसनो कहर वध्यो छे। कोविड-19 ना लईने सूरतनी परिस्थिति अन्य जिल्लाओ करता अत्यंत खराब छे। शहेरमां पॉजिटिव केसमां सतत वधारो थतो जोवा मळतो होय छे, परंतु बीजी तरफ सूरतमां 34 वेंटिलेटर आपवाना आदेश आप्या हता। सरकारना आदेशनुं पालन करता वलसाड शहेरथी 34 वेंटिलेटर सूरत पहोंच्या हता, परंतु ते पहोंच्या तो जे हालतमां पहोंच्या ते जोईने तमे लोको दंग रही गया। वेंटिलेटर खटारामां पड्या हता। कोरोना संक्रमण वधता मामला ने आवनारा रमजान महीना ने ध्यान में राखीने सऊदी सरकारे मक्का में आवनारा तीर्थयात्रियों माटे कड़क दिशा निर्देश जारी कर्या छे। सऊदी अरेबियाना अधिकारीए सोमवारे जणाव्युं के आ वखते मक्का में हज माटे आवनारा तीर्थ प्रवासियों में फक्त स्वस्थ लोकोने प्रवेश आपवामां आवशे, जेमां कोरोनानी बीमारीनी कोई लक्षणो ना होय तेवा व्यक्तिओने प्रवेश आपवामां आवशे। महाराष्ट्रमां कोरोनाना केसनो राफडो फाट्यो छे ने आज कारणे राज्य सरकारे वीकेंड पर लॉकडाउन जाहेर कर्युं। आटलुं ज नहीं, रातना 8 થી 7:15 વાગ્યા सुधी कर्फ्यू जाहेर करवामां आव्युं छे। 30 एप्रिल सुधी आ मिनी लॉकडाउन रहेशे। आज कारणथी 30 एप्रिल ना रोज अक्षय कुमारनी सूर्यवंशी रिलीज थई शकशे नहीं। भारे वरसादने कारणे आवेला पूर अने भूस्खलनथी मृत्यु पामेला लोकोनी संख्या वधी छे, 73 थई गई छे, तेम सत्तावाळाए एक निवेदनमां जणाव्युं। इंडोनेशियामां जे पूर आव्युं छे ते तरफ तिमोरमां पण 27 लोकोना मोत निपजा छे। चक्रवाती तोफान थई रहेलुं नुकसान हजु पण केटलाक दिवसो सुधी चालु रहेशे तेवी शंका व्यक्त करवामां आवी छे। सूत्रोना जणाव्या अनुसार वरसाद सतत चालू रहता बचाव कामगीरीमां अवरोध ऊभो थई रह्यो छे। भारे वरसाद अने पूरने कारणे रस्ता तूटी गया होवाने कारणे पण बचाव कामगीरीमां विक्षेप पड़ी रह्यो छे। भारे नुकसान पहोंचाडनार उष्णकटिबंधीय वावाझोडुं सिरोजाथी दक्षिण पूर्व एशियन देशोमां पण पहोंचाडवानी शंका छे। ऑस्ट्रेलियानी तरफ दक्षिणमां आगळ वधी रह्युं छे। कंगना थलाइवी रिलीजनी राह जोई रही छे। हालमां जे एक्ट्रेस मुंबईना डबिंग स्टूडियोनी बहार जोवा मळी हती, आ क्षणनो वीडियो सोशियल मीडियामां वायरल थयो छे। वीडियोमां कंगना कारमांथी मास्क वगर बहार आवती जोवा मळी अने फोटोग्राफ्सने पोज आप्या हता। जो कि आ वीडियो पर यूजर्से अनेक सलाहो पण आपी छे।
જસ્ટિસ નથલાધિધિ વેંકટ રમણા ભારતના 48મા મુખ્ય ન્યાયાધીશ બનશે. રાષ્ટ્રીય રામનાથ એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે તેમની નિમણૂકને મંજૂરીની મહોર આપી. રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી મળ્યા બાદ હવે ન્યાયાધીશ રમણા 24 એપ્રિલે શપથ ગ્રહણ કરશે. ન્યાયાધીશ રમણા હાલના મુખ્ય ન્યાયાધીશ એસ એ બોબડે પછી સુપ્રીમ કોર્ટના બીજા વરિષ્ઠ ન્યાયાધીશ છે. 24 માર્ચે હાજર મુખ્ય ન્યાયાધીશ એસ એ બોબડે સરકારને તેમના માટેની નામની ભલામણ મોકલી હતી. સીઆરપીએફની ગોબરા ટીમના સેકન્ડ ઇન કમાન્ડર ઓફિસર સંદીપ બિડિયા સામે સમગ્ર ઘટનાની વાતચીત કરી હતી. તેઓએ કહ્યું કે અમે શુક્રવારની આખી રાત ચાલીને શનિવારે લગભગ 8 વાગે છત્તીસગઢના બીજાપુર અને સુકમા જિલ્લાની બોર્ડર વિસ્તારના જોગાનું ગામમાં પહોંચ્યા હતા. અમને નક્સલીઓની ચળવળ જણાઈ તરત જ તેમણે અમારા પર ફાયરિંગ શરૂ કરી દીધું હતું. અમે પણ નક્સલીઓને વળતો જવાબ આપ્યો હતો. અમારી ટીમના દરેક જવાને બહાદુરીથી સામનો કર્યો હતો. નક્સલીઓએ અમને એમ્બ્યુલન્સમાં ફસાવવાની કોશિશ કરી પરંતુ અમે તેમના ઘેરા તોડીને આગળ વધી ગયા હતા. તો આ સાથે બુલેટિનમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર અને ન્યૂઝ અપડેટ માટે આપ જોતા રહો સ્ટાર ન્યૂઝ 7. નમસ્કાર.